उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के तीसरे और दिन के पहले सत्र में रीजनल मीडिया इन नेशनल पॉलिटिक्स विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के पायर रॉड्रिगेज गोंजालेज, अतुल अग्रवाल, अजय झा, रहीसुद्दीन रेहान, अनुप बोस, प्रोफेसर डॉक्टर PK राजपूत मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, रीजनल मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे क्षेत्र की खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखाती, वो खबर हमें रीजनल मीडिया से पता चलती है। रीजनल मीडिया अपने क्षेत्र की खबर सही तथ्यों और जानकारी के साथ दिखाता है, जो जनता के लिए बहुत जरूरी है। वहाँ मौजूदा अतिथिगण ने रीजनल मीडिया पर अपने अपने विचारों को साझा किया और वैलेंटाइंस डे का पोस्टर रिलीज किया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजीन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और AFT में आना हमेशा से बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं खुद को। संदीप मारवा सर के साथ आना, उनके साथ बैठना, उनको सुनना, उनको देखना, ये वाकई बहुत अच्छा और सुखद रहता है। और मैं मौके ढूंढता हूँ कि कभी आपके AFT में कोई प्रोग्राम हो और मैं वहाँ जाऊँ और बच्चों से बात करूँ, मारवा सर को सुनूँ। यहाँ की जो फीलिंग है इस इंस्टीट्यूट की, वो बहुत डिफरेंट है। मैंने बहुत कुछ बाहर अंदर कहा है और बाहर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल मीडिया है ना, वो एक एक परसेप्शन बनाता है, देश में एक नैरेटिव बनाता है। सरकार उस नैरेटिव के आधार पे लोग क्या चाहते हैं उनकी पॉलिसी होती है, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है वो जमीन तक कैसे पहुंची, कहाँ तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्रियान्वयन कैसा हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, वो रीजनल मीडिया तय करता है, वो दिखाता है, छोटी छोटी खबरों को दिखाता है। तो इसलिए एक बैलेंस नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फॉर्चुनेटली ये बैलेंस अभी हमको नज़र आता है हमारे समाज में, इसको और अच्छा और मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं बताऊँ तो महासागर को बनाने के लिए नदियों का बड़ा योगदान है, बिना नदियों के महासागर नहीं बन सकता। इसी तरह से हम नोएडा के अंदर हैं अभी और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। नेशनल मीडिया बिना रीजनल मीडिया के अधूरा है। तो भारत के अंदर 228 राज्य हैं और हर हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग तरह की समस्या है। वहाँ से खबरों का आना, उसको खबर बनना या आगे उस पर समस्या का समाधान होना, वो तमाम जरूरी चीज़ें जो है रीजनल मीडिया आप तक लेके जाता है। तो नेशनल मुद्दे बनने से पहले रीजनल मीडिया में आना वो बहुत जरूरी है। मैं 3 से 4 चीज बोलना चाहूंगा जो इस फील्ड में आ रहे हैं या कर रहे हैं। सबसे पहले तो खुद को पहचानिए, ठीक है। भेड़ चाल को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। मैं बहुत लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मतलब कि आप खुद से, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं आपको। आप खुद में, आप मतलब कि जो आपकी काबिलियत है, हो सकता है आप अच्छे से आपके आर्टिस्ट बन सकते हैं, हो सकता है अच्छे एंकर बन सकते हैं, और आपको सब कुछ तो नहीं बन सकते आप। तो आपका जो एक मैसेज है, जो आप एक मूल मंत्र है, वो आपको खुद से पहचानी है, ठीक। 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के तीसरे दिन और आखिरी दिन के अंदर ये अभी हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं। सुबह ही हम लोगों ने वेनेजुएला की फिल्म को यहाँ पर चढ़ाया, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के लिए फिर से एक बार देश भर और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर वेनेजुएला का भोजन भी यहाँ सर्व किया और उससे जो अम्बेसडर साहब यहाँ आई हुई थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जब आर्ट और कल्चर की बात की जाती है तो साथ में खानों की बात भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसी के बाद हमारा एक सेमिनार था जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है और देश के बड़े बड़े नामी गरामी जर्नलिस्ट इस पूरी सभा में भाग ले रहे थे। हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से चर्चा को यहाँ पर चलाया और उसका आनंद सभी लोगों ने लिया। आज का दिन फिर से बहुत महान है, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है, आज बसंत पंचमी है और सरस्वती की वंदना आज होती है, और इसके साथ साथ आज हम लोगों ने 1 मिनट का मौन भी रखा, क्योंकि जिन फौजियों को हमने पुलवामा के इस हादसे में खोया था उन्हें हमने आज फिर से याद किया है।
है। आने वाले थोड़ी देर में बहुत सारे और कार्यक्रम होने जा रहे हैं। हम लोग अब थोड़ी देर में यहाँ नुक्कड़ नाटक देखेंगे, उसके बाद शाम को एक जबरदस्त फैशन शो का आयोजन किया गया है, और उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अवार्ड्स का, क्योंकि हमें ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हम लोगों ने महात्मा गांधी के नाम पर एक जर्नलिस्टिक अवार्ड की रचना रची थी जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ जर्नलिज्म, और उन अवार्ड को आज यहाँ से दिया जाएगा। उसके